नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के मामले में पिछड़ने के बाद लातेहार जिला प्रशासन ने 1 दिसंबर से जिले में रात्रि टीकाकरण शिविरों की शुरुआत की। इससे टीके की रफ्तार बढ़ गई है। नक्सल गांवों व सुदूर इलाकों में टीकाकरण में 30% की वृद्धि हो गई। लातेहार सिविल सर्जन डॉक्टर हरेन्द्र चंद ने कहा कि उपायुक्त अबू इमरान ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए गांव में रात्रि टीकाकरण शिविर लगाने को कहा, जिसके बाद 1 दिसंबर से लातेहार के मोंगर गांव से इसकी शुरुआत हुई। पहले दिन ही यहां 60 लोगों को प्रथम डोज का टीका लगाया गया। इस शिविर के बाद जिले के महुआ डांड के चंपा चोरमुंडा मोहर जैसे कई सुदूर इलाकों में शिविर लगाए गए, जहां रोजाना 100 से 150 की संख्या में गांव में रात्रि टीकाकरण के लिए 4 सदस्यों की टीम जाती है, जिसमें 1 एनएम, 1 वेरीफायर व 2 सहयोगी कर्मी होते हैं। अंधेरा होने के साथ ही शुरू हुआ यह शिविर रात के 11 बजे तक चलता है। इसके बाद टीम के सदस्य रात्रि विश्राम के लिए समीप के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या वेलनेस सेंटर में चले जाते हैं। जिले में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के कार्य देखने वाले स्वास्थ्य विभाग के वेद प्रकाश ने बताया कि 1 दिसंबर से जिले में शुरू किए गए इन शिविरों का काफी लाभ मिल रहा है। जहां पहले टीकाकरण की स्थिति सबसे अधिक खराब थी, शिविरों के आयोजन से उन्होंने उदाहरण के साथ बताया कि रेंगाई, चौराहा व रजदा जैसे गांव में टीकाकरण के आंकड़े शून्य के बराबर थे, लेकिन शिविर लगने के बाद ऐसे गाँव में आंकड़े 40% से अधिक तक बढ़े हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज।